फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल लोचा। और केमिकल लोचा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। और फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट फेस वीडियो है जो कि मैं आज बना रहा हूं। वैसे अभी तो मेरी ये इनिशियल स्टेज है फ्रेंड्स यूट्यूब की। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ग्लैंड के बारे में जो कि फ्रेंड्स हाल फिलहाल में ही डिस्कवर हुआ है। हाल फिलहाल में ही डिस्कवर एक सलाइवरी ग्लैंड हुआ है फ्रेंड। सलाइवा के बारे में तो आपको पता ही होगा, सलाइवा लार, जो कि अगर मुंह में ना हो तो बिल्कुल सूखा सूखा और हमें पानी पीने का मन करता है, या फिर कह सकते हैं मतलब बहुत अजीब लगता है अगर सलाइवरी ग्लैंड ना हो तो। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तीन मेन सलाइवरी ग्लैंड थे। तीन मेन सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से थे? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके कान के यहां पाया जाता है फ्रेंड्स, यहां ये होता है, यहां पे पैरोटिड ग्लैंड होता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है? ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वो आपके जॉ है ना, जॉ, जॉ मतलब ये दांत है, दांत जिसके ऊपर गड़े हुए हैं, इसके नीचे होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड जो मेन सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि आपके टंग के नीचे होता है, टंग के नीचे होता है फ्रेंड्स। ये भी सलाइवा ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तीन के अलावा भी कई सारे मतलब 800 से 1000 मिनी या फिर कह सकते हैं बहुत ही टाइनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक सलाइवरी ग्लैंड हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और उनका भी उतना ही रोल है जितना इनका है। लेकिन फर्क इतना है फ्रेंड्स, ये थोड़े लार्जर इनसाइड है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द ग्लैंड्स आर मेन। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड ही फ्रेंड्स पाया गया है जिसका नाम ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड है। ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड है कहां? तो फ्रेंड्स, जो आपकी नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल जैसी विंड पाइप में नॉस्ट्रिल से नीचे जाती है फ्रेंड्स, यहां पे थ्रॉट होता है। थ्रॉट में क्या होता है कि जो फूड पाइप है और विंड पाइप दोनों मिल जाती है तो थ्रॉट है। अब थ्रॉट से थोड़ा सा ऊपर नॉस्ट्रिल या फिर नोजोफैनिक्स कहते हैं, नोजोफैनिक्स के जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या है, टॉरस टिश्यू है। और टॉरस टिश्यू के ऊपर होने की वजह से ही उसे ट्यूबेरियल ग्लैंड कहा गया है। तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है ट्यूबेरियल ग्लैंड की, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड की। यही एक अंग है फ्रेंड्स जो कि अभी भी 16 अक्टूबर 2020 को पाया गया है, और इसकी खोज गलती से हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, गलती से अदर डिस्कवरीज में होती है लगभग, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि सारी डिस्कवरीज गलती से ही होती है, तो ये भी शायद गलती से ही हो गई होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बात कर लेते हैं आखिर में डिस्कवर कैसे हुई, किसने की, कब और कैसे, मतलब चलिए बात करते हैं आगे। इसका पहला हिंट तब निकल कर आया जब वाल्टर वोगेल, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं नेदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट में, उन्होंने सिर, गर्दन और दिमाग के कैंसर का पता लगाने के लिए जब रेडिएशन या फिर रेडियोथेरेपी कर लेते तो वो पाते कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो मतलब उनके सलाइवरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाते, या फिर कह सकते हैं उन्हें बोलने में ओरल कोई भी इन्फेक्शन हो जाती, और कभी कभी पचाने में भी खाने को दिक्कत आती। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब यार इसका पता लगाया जाए कि असल में ऐसा होता क्यों है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं या फिर कह सकते हैं इस प्रकार के लक्षण हर मरीज में देखे जाने लगे, लगभग सभी में, ठीक है, तो उन्होंने एक नई तकनीक का यूज किया जिसको पीईटी सीटी स्कैन कहते हैं। असल में फ्रेंड्स, ये पीईटी और सीटी स्कैन दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसको एक साथ किया गया। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ पीईटी क्या है। पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर सेल से जाके बाइंड हो जाता है और उसकी गतिविधियों को हमें बताता है। और सीटी स्कैन में तो आपको पता ही है एक्सरे इमेजेस होते हैं जिनसे हमें ऑर्गन्स की इमेज मिलती रहती है किसी भी एंगल। फिर क्या था, इस टेक्निक का यूज किया गया या फिर कह सकते हैं इस टेक्निक को अप्लाई किया गया, और इस टेक्निक में रेडियो एक्टिव ट्रेसर का भी प्रयोग किया गया जो कि पोस्ट्रेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन सेल से जाके बाइंड हो जाता। इस सेल को हम लोग नॉर्मली फ्रेंड कैंसर सेल भी बोल सकते हैं। इस सेल से मतलब इस टेक्निक से हमें ये पता लगता कि पोस्ट्रेट कैंसर है या नहीं है। नॉर्मली इस टेक्निक को प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब वोगेल और उनके कलीग्स ने जब ट्रेस करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जहां जहां पीएसएम में प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन यानी कैंसर सेल मिल रहा था, वहां वहां हमें सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स भी मिल रही थी। इसका मतलब जहां जहां सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स होंगी वहां वहां प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन सेल भी होंगे यानी कैंसर सेल भी होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्कैन के दौरान कहा कि अगर पीएसएम में यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन सेल यानी कैंसर सेल अगर मिलना चाहिए तो केवल ओरल कैविटी में मिलना चाहिए, क्योंकि ओरल कैविटी ही एक ऐसी जगह है जहां पे सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवरी सेल्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहां पे मिलना चाहिए। लेकिन जब ट्रेस हुआ तो वो नेजोफेनेक्स यानी थ्रॉट के ऊपर जो विंड पाइप है उसके पास से सिग्नल्स आ रहे थे,
तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने कलीग जो कि एक फेशियल एक्सपर्ट थे जो फेशियल सर्जरी वगैरह करते थे जिनका नाम एम वॉलस्टार था उससे ओपिनियन मांगा और फिर जाके साइंटिस्ट से कहने लगे कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप किसी मेरे कलीग से या फिर मेरे साथी से ना जान ले। और फिर क्या, यही तो वोगेल और उनके कलीग को चाहिए था जिससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकें। अब उन्होंने मतलब वोगेल और वॉलस्टार ने एक दर्जन से भी ज्यादा रिसर्च टीम बनाई और 3 मेडिकल सेंटर बनाए नेदरलैंड में जिसमें एक टेक्निक मतलब वही सेम टेक्निक PSM में PET CT स्कैन का यूज होता और उस स्कैन से हम उन मरीजों को स्कैन करते जो प्रोस्टेट कैंसर से या फिर यूरेथ्रल कैंसर से पीड़ित हैं। उन मरीजों का इसमें स्कैन होता और बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आता या फिर कह सकते सिग्नल्स आते बिल्कुल उनके नाक के पास, नाक का जो एरिया है वहां के पास से एक सिग्नल आता जिससे ये पता चलता कि यार वहां पे सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स हैं ही हैं। अब वो कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है ये तो किसी को पता नहीं था लेकिन इस मूल्यांकन में ये भी पता चल गया कि जो भी सलाइवरी ग्लैंड है वो पेयर में है और उसकी औसतन लंबाई करीब 4 सेंटीमीटर है जो कि उनके ग्रुप ने एक मृतक शरीर को काट कर देखा और उस ग्लैंड का नाम उस सलाइवरी ग्लैंड का नाम ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड रख दिया। इसलिए रख दिया क्योंकि वो टॉरस ट्यूबेरियस नाम के एक टिश्यू के ऊपर ही था लोकेट था इसलिए उसकी लोकेशन के हिसाब से उसका नाम ट्यूबेरियल ग्लैंड रख दिया।